बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहे कि सिंपलीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा। आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हल करना है, उसे आपने ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में ले जाना है। हमारे पास इसके डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं, हम पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 1 में वो कह रहा है कि -2/1 प्लस आयोटा, इसे सिंपलीफाई करना है। सॉल्यूशन के बाद आपने अगेन इसे लिख देना है -2/1 प्लस आयोटा। अब यही मेन स्टेप है, इसके बाद जो हमने सॉल्व करना है, आपने देखना है कि डिनोमिनेटर में वैल्यू कौन सी है। डिनोमिनेटर में है 1 प्लस आयोटा, बीच में इनके है प्लस। अब इसके साथ हमने किसी ऐसी ही चीज़ को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा जो हो 1 माइनस आयोटा, उसे मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। आपने लिख दिया इक्वल साइन के बाद -2/1 प्लस आयोटा, मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस आयोटा/1 माइनस आयोटा। अब आपने इन दो वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो इसे लिख दिया इक्वल साइन के बाद -2 × 1 − iota / 1 + iota × 1 − iota ब्रैकेट क्लोज। अब हम ये भी जानते हैं 1 + a + b × a − b = a² − b² अब इस -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, -2 × 1 हो जाएगा, -2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 × iota, वो 2 iota आ जाएगा। इधर एक का स्क्वायर ए हमारे पास 1 है और बी हमारे पास आयोटा है, तो इस फार्मूले के मुताबिक हमें लिख देना है कि (1)² − iota²। अब इक्वल साइन के बाद हम इनमें से देखें, 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास आएगा -1 + iota, इधर 1² आएगा -iota². अब हम ये भी जानते हैं कि iota² इक्वल होता है -1, जहाँ iota² आपको नज़र है वहाँ आपने पुट कर देना है -1। इक्वल साइन के बाद 2 × −1 + iota / 1 − iota² की जगह आ गया -1, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो इक्वल साइन के बाद 2 × 2 हम इसे लिख सकते हैं iota − 1/(1 + 1), तो 1 + 1 कितना हो गया 2। मजीद इसे लिखते हैं इक्वल साइन के बाद 2 × iota − 1/(2, 2, 2 से कैंसिल होगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इक्वल साइन के बाद iota − 1, यही हमारे पास गिवन आंसर। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं कि 2 + 3iota / 4 − iota। सॉल्यूशन के बाद आपने आके नहीं लिख देना है 2 + 3iota / 4 − iota। अब जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो है 4 − iota, तो हमने इसी के लिहाज से आगे किसी चीज़ को सिंपलीफाई कर मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड भी करना है, तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल साइन के बाद 2 + 3iota / 4 − iota। इधर 4 − iota हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 + iota के साथ और 4 + iota कैंसिल करेंगे, तो दोबारा आपके पास वैसे ही आ जाएगा। अब नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। इक्वल साइन के बाद आपने लिख दिया (2 + 3iota) फिर ब्रैकेट स्टार्ट 4 + iota / 4 − iota). अब हम ये भी जानते हैं कि आपके पास a + b × a − b = a² − b², तो हम डिनोमिनेटर को तो सिंपलीफाई कर सकते हैं, नोमिनेटर को हम आसानी से मल्टीप्लाई करते हैं।
एल टू को उठाएंगे पहले फोर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में साइन आएगा प्लस का, फिर टू को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा के साथ। उसके बाद आपने प्लस थ्री आयोटा को मल्टीप्लाई करना है पहले फोर के साथ, बीच में साइन आएगा प्लस का, फिर थ्री आयोटा को मल्टीप्लाई करना है आयोटा के साथ। तो इक्वल साइन के बाद टू मल्टीप्लाई हो गया फोर के साथ, फिर टू मल्टीप्लाई हो गया आयोटा के साथ, बीच में साइन प्लस का, फिर थ्री आयोटा मल्टीप्लाई हो गया फोर के साथ, बीच में साइन प्लस का, फिर थ्री आयोटा मल्टीप्लाई हो गया आयोटा के साथ। और नीचे हमने देखा है ए हमारे पास फ़र्ज़ करें यहाँ है फोर है और बी हमारे पास क्या है आयोटा, तो हमारे पास आ जाएगा ओवर में फोर का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब टू फोर द एट बीच में साइन प्लस का और टू मल्टीप्लाई आयोटा टू आयोटा आ जाएगा, बीच में साइन प्लस का और थ्री फोर द ट्वेल्व सात आपके पास आयोटा है, बीच में साइन प्लस का थ्री आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा इज इक्वल टू आएगा थ्री आयोटा स्क्वायर ओवर आएगा फोर का स्क्वायर आएगा सिक्सटीन माइनस आयोटा का स्क्वायर आएगा आयोटा स्क्वायर। अब ये हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो माइनस वन के इक्वल है, जहाँ इधर आपका आयोटा स्क्वायर नज़र है वहाँ आपने लिख देना है उसकी वैल्यू गिवन। तो एट वैसे ही आ जाएगा ट्वेल्व आयोटा प्लस टू आयोटा इज इक्वल टू होगा फोर्टीन आयोटा प्लस थ्री एंड टू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई माइनस वन और सिक्सटीन माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई माइनस वन। तो हम इसे मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं, एट प्लस फोर्टीन आयोटा प्लस माइनस माइनस और थ्री वन द थ्री ओवर सिक्सटीन माइनस माइनस प्लस तो आपके पास आ जाएगा वन। इसे ऐड करते हैं मज़ीद तो आपके पास आएगा एट माइनस थ्री इज इक्वल टू आएगा फाइव, बीच में साइन प्लस का और फोर्टीन आयोटा आ जाएगा ओवर है सिक्सटीन प्लस वन आएगा सेवनटीन। अब यहाँ तक भी आपका आंसर गिवन है मगर हमने इसे ले जाना है ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, तो आपने 17 को बोथ वैल्यूज के साथ डिवाइड कर देना है, इक्वल साइन के बाद आएगा 5 ओवर 17 प्लस 14 ओवर 17 आयोटा। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर सेकंड। मज़ीद जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन का बटन प्रेस करने से चैनल पे जो भी नई वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मौसूल होगा। जज़ाकअल्लाह खैर।